हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। We are continuing the chapter number 3, pair of linear equation in two variable, exercise 3.5, introduction. Okay, अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि हम क्या यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.5 में, कैसे यूज करेंगे, कैसे सॉल्यूशंस निकालेंगे। हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट ये यूज करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है, हमने ये चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा है और अभी थर्ड में भी पढ़ा है, ओके, कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्या होता है और कब होता है, कैसे लाइंस होती हैं तो होता है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन हमें कब मिलता था? इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक ही पॉइंट मिल रहा है, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू मिल सकती है एक्स की और वाई की, क्लियर है। यूनिक सॉल्यूशन हो गया ओनली वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, और उसका कंडीशन क्या था? a1 by a2 is not equals to b1 by b2, ओके। अब अगर मैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए था हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलती थी, जिसके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते थे जो कि दोनों में कॉमन होते थे, ओके, तो वो होता था मेनी सॉल्यूशंस, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस। तो हम कोई भी सॉल्यूशन को करेक्ट है ये बोल नहीं सकते, बिकॉज हम आंसर नहीं बता सकते, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो कोई भी इंसान कोई सा भी पॉइंट कैरी कर सकता है, ओके। नेक्स्ट इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या था? हमारे पास पैरेलल लाइंस होती थी, ये कभी आपस में मीट ही नहीं करेगी, ये आपस में कभी टकराएगी ही नहीं, तो हमें कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं इन दोनों लाइंस में कॉमन, है ना, तो इसीलिए इसमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है हमें, क्लियर है। ये तीन पॉइंट क्लियर है, हमें पता है कि अब हमारे पास अगर इक्वेशन रहता है तो हमें ये भी पता है कि इक्वेशन रहने के बाद हम उसे सॉल्व करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 भी पता चल जाता है हमें, है ना। तो चलिए मैं कुछ इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ओके। रैंडमली ले रही हूँ इसलिए मे बी आंसर वेरी कर सकता है, ओके। तो चलो लेते हैं, एक लेती हूँ 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74, एक ये इक्वेशन है, और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46, एक ये इक्वेशन है। तब यहाँ पे हम क्या करते थे, ये हमारा a1 हो जाता, 3 हो जाता, चलो मैं लिख ही लेती हूँ यहाँ पे कि क्या क्या होता हमारे पास। a1 क्या हो जाता है यहाँ पे? 3, a2 कितना हो जाता? 2, b1 इज 5 एंड b2 इज 3, c1 हम 74 ले लेते हैं और c2 हम क्या लेते हैं? 46, ओके, जो है वही ले लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें c1 और c2 को पहले तो इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म पे लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? 3x प्लस 5y माइनस 74, प्लस था तो उधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास c1 कितना मिल गया? माइनस 74, और c2 कितना मिल जाएगा इन द सेम मैनर? 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल्स टू 0। तो हमें c2 कितना मिल गया? माइनस 46 मिल गया, क्लियर। तो हमें तो ये पता चल गया c1 c2 b1 b2 a1 a2 हम कैसे निकालेंगे, ओके। चलो देखते हैं आगे। अब हम आते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व कैसे करना है हमें, ठीक है। ये फॉर्मूला दिख तो डेंजरस रहा है, लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे ये देखेंगे अब, ओके। तो चलो एक इक्वेशन ही ले लेती हूँ मैं, इक्वेशन जो पहले लिया था अभी हमने, माइनस 46 इक्वल्स टू 0, मैंने बताया क्या लिखना हमें? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन मिल गए हमें। ये फर्स्ट इक्वेशन है तो ये a1 a2 b1 b1 c1 हो जाएगा, और ये सेकेंड इक्वेशन है तो a2 b2 c2 हो जाएगा, क्लियर है। तो चलो देखते हैं a1 क्या है यहाँ पे। a1 इज 2, b1 इज 3 and c1 is minus 46. It's minus 46, okay? Not 46, minus 46. वैसे a2 क्या है यहाँ पे? 3, b2 is 5 and c2 is minus 74. अब अगर हम देखें कि cross multiplication method use कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं, हमें x और y की value चाहिए होती है variables की, है ना। तो हम कैसे लिखते हैं? x लिखते हैं, और हम लिखना start ऐसे लिखते हैं, x लिखते हैं और पहले b से स्टार्ट करते हैं, मिडिल टर्म से स्टार्ट करते हैं, b वाले के बाद क्या आता है? c आता है, तो b1 c1,
फिर क्या A1 B1, ये B से स्टार्ट हो रहा है ऐसे समझ लीजिए और रोटेट हो रहा है, A B C होता है तो B से स्टार्ट हुआ, B C अगेन A B ऐसा आया, ओके B से स्टार्ट होके फिर से B में वो खत्म हुआ है, B से स्टार्ट हुआ फिर C कवर किया फिर A पे आया फिर से B पे खत्म हो गया, ओके तो ये ऐसा ही हुआ। अब हम यहाँ पे अगर देखें कि कैसे लिखता है ये, अब इसे देखते हैं कि हम इसे लिखेंगे कैसे, ओके तो ये क्या हुआ, पहले B1 लिख लिया, B2 लिख लिया, C1 C2 लिख लिया। अब ये लिखेगा कैसे, x अपॉन पहले ये वाला एरो कवर करेगा, B1 into C1 करेगा, B1 into C2 करेगा, ये C2 है, ओके अब इनके बीच में रिलेशन माइनस लेगा और B2 into C1 करेगा, ठीक है ये हो गया x का टर्म। अब y का टर्म लिखने के लिए क्या करेगा, C1 into A2 माइनस साइन C2 A1 मल्टीप्लिकेशन है, आगे पीछे भी ऐसे कर सकते हो लेकिन ये माइनस साइन देखना पड़ेगा, पहले ये वाला टर्म लेना है फिर वो वाला, और ये लास्ट वाला होता है 1 के अपॉन में, क्योंकि हमें सिर्फ दो ही वेरिएबल है तो ये दो वेरिएबल को कैरी कर लिया, और 1 इसलिए कि हम इसके थ्रू ही आंसर निकाल सकते हैं, ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल रहेगा, ओके A1 into B2 माइनस B1 into A2, ओके ये वाला टर्म जो है सॉल्व होके ये आ जाएगा मेरे पास कॉन्स्टेंट, ये लास्ट वाला टर्म जब कांस्टेंट आ जाएगा तो हम पहले इसको इसके साथ इक्वेट करके और फिर इसको इसके साथ इक्वेट करके हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके तो चलिए हम अब देखते हैं कि इस इक्वेशन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने क्या बोला था, x लिखना है और फिर उसके इधर से कहां से स्टार्ट करना है, b से, तो B1 B2 C1 C2, फिर y लिख के A1 A2 और फिर 1 लिख के अगेन B1 एंड B2, ओके चलो क्रॉसेस कर लें अब, तो फिर हमारा क्या आएगा, x अपॉन B1 क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज भी लिखती हूँ, B1 हमारे पास क्या है 3 into C2 हमारे पास क्या है -74, ओके माइनस साइन लगेगा। अब B2 into C1 क्या हमारे पास 5 और C1 क्या हमारे पास -46 हो गया, x का टर्म लिख लिया हमने, इक्वल्स टू का साइन होता है उसके बाद। अब y का टर्म लिखते हैं, y के टर्म में क्या है C1 into A2, C1 कितना हमारे पास -46 मल्टीप्लाई बाय A2 कितना हमारे पास, A2 है हमारे पास 3 माइनस, अब क्या है C2 into A1 कितना है -74 into A1 कितना हमारे पास 2, ओके ये हो गया y का टर्म। अब बचा किसका, 1 का टर्म, 1 टर्म क्या A1 into B2 मतलब 2 into 5 माइनस A2 into B1 मतलब 3 into 3 मिल गया हमें ये। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लें अब हम अगर इसे, तो x अपॉन -74 into 3 कितना हो जाएगा, 74 into 3 हो जाएगा 222, ओके -222 हो जाएगा, ठीक है 222, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -5 और -46 का प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लीकेशन 46 into 5 33 and 2 230, ओके दिस इज बिकम 230। अब अगर मैं इक्वल करूं y का टर्म सॉल्व करूं तो 3 into 46 18 एंड ये दिस ओके 138 -138 होगा और ये माइनस माइनस अगेन ये प्लस हो गया तो ये कितना हो गया 148, ओके यहाँ कितना होगा 1/10 -9, 5 2 10 और 3 3 9, क्लियर है इतना। अब इतना हो गया तो हम क्या करें, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्व करने के लिए x अपॉन इसे आप माइनस करेंगे तो 230 बड़ा है, 230 माइनस 222 करेंगे तो कितना मिलेगा 8 और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि बड़े नंबर के सामने पॉजिटिव साइन है, ओके फिर अब y को मैं लूं, अगर y को तो यहाँ पे भी क्या 148 बड़ा है, 148 -138 कितना हो जाएगा 10 और प्लस साइन क्यों, क्योंकि 148 बड़ा है, ओके अब ये क्या है 1/10 -9 is 1, क्लियर है तो ये 1 मिल गया हमें। अब मैंने क्या बोला था कि x वाले को पहले इक्वेट करेंगे तो हम चलो x वाले को पहले इक्वेट कर लेते हैं, क्या होगा x upon 8 equals to 1/1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 8 into 1 equals to 8, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। हमारे पास अगर ये मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल का आंसर अगर हमें मिल जाता है तो हम उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते थे, है ना, तो यहाँ पे वो करने की भी जरूरत नहीं है। अब हम दूसरे को भी कांस्टेंट टर्म से इक्वेट कर देते हैं, दूसरे को भी अगर हम कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करें तो कितना हो गया
y upon 10 equals to 1 upon 1. So y equals to 10 into 1, that become y equals to 10. मिल गया हमें x और y का वैल्यू. वेरी इजी, बस यहाँ पे समझना ये था कि हम ये जो टर्म है लिखते कैसे हैं. हमें ये याद रहना जरूरी है कि हमें b से स्टार्ट करना है, हमें कैसे लिखना है, और उसमें मिस्टेक अगर नहीं हुआ तो आपका आंसर करेक्ट ही होगा. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपके स्टेप्स भी करेक्ट हैं तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपका आंसर करेक्ट है तो कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता, कोई भी नंबर नहीं काट सकता, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे. ओके, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर. ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे 3.5 के सारे क्वेश्चंस. ओके, इक्वेशन बनाना आपको आ चुका है वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू. मैंने डायरेक्टली इक्वेशन लेके ये सॉल्व करना बताया था. हम आगे जो भी रहेगा हम उसको सॉल्व करके देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 में. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन. स्टूडेंट, सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज, अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.